तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर, तेरा हुनर हुनर तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिम का प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। श्रोताओं नमस्कार, मैं आकाश हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस एपिसोड में। और मैं अनिल, स्वीकार कीजिए मेरा भी नमस्कार। हम दोनों स्वागत करते हैं आप सभी सुनने वालों का इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। श्रोताओं, हमने आपके साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से एक लंबा सफर तय किया है। अब लगने लगा है जैसे ये रिश्ता बहुत गहरा हो चुका है। सच में दोस्तों, आकाश ने बिल्कुल सच कहा। बल्कि मुझे तो इंतजार रहता है कि कब मुझे ये प्रोग्राम होस्ट करने का मौका मिलेगा और मैं कब आपसे रूबरू होऊंगा। तो दोस्तों, आज हम आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे क्षण, एक ऐसे लम्हे के बारे में है जो लम्हा अपनी और अपने घर वालों की दुनिया पल में उलट पुलट कर देता है। एक क्षण कुछ होता है और दूसरे ही लम्हे उससे उलट। भाई आकाश, इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, इसीलिए हर लम्हा हर क्षण जिंदगी को जियो, वो भी आंखें खोलकर, दिल खोलकर जियो, लेकिन होशियारी के साथ जियो, क्योंकि पता नहीं कौन सा एक पल ऐसा हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग करते समय इमरजेंसी हैंडल करने के बारे में। इमरजेंसी मतलब आपातकाल, रोड पर आने वाली इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना कैसे करें और उन्हें आने से पहले ही हम कैसे टाल सकते हैं, इन्हीं बातों पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इमरजेंसी में अपनी कैसे मदद करनी है, दूसरों की मदद किस तरह से करनी है, रोड पर अपने सामान गाड़ी और पैसेंजर का ख्याल कैसे रखें, और इमरजेंसी में अधिकारियों की मदद किस तरह से मिल सकती है, इन सब बातों पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन अनिल, इमरजेंसी कैसे आएगी, कहाँ आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, इन सब बातों के बारे में प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। ये हालात तो सफर के दौरान कभी भी पैदा हो सकते हैं, या कहें कभी भी इनसे आपका सामना हो सकता है, और इनके आने की वजह कुछ भी हो सकती है। अब मिसाल के लिए, कभी गाड़ी की कंडीशन की वजह से, तो कभी मौसम की वजह से, तो कभी आपकी वजह से, यानी जो गाड़ी चला रहे हैं उनकी वजह से। लेकिन ड्राइवर को ये सारी इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में मालूमात रखने के अलावा क्या और कोई चारा है? नहीं ना दोस्तों, क्योंकि जानकारी होगी तभी तो आप उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। आकाश बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो चलिए पहले आपको बताते हैं वो परिस्थितियाँ यानी इमरजेंसी हालात कौन कौन से हैं। टायर स्किड, टायर बर्स्ट, टायर पंक्चर और इंजन का अधिक गर्म होना, पुश स्टार्ट, जंप स्टार्ट, टोइंग, इंजन फेलियर, टूटा हुआ विंडस्क्रीन, बोनट का अचानक खुल जाना, ब्रेक फेलियर और हेडलाइट फेलियर, इन परिस्थितियों को इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति कहते हैं। अनिल, ये जो शब्द होता है ना भयानक, ये अगर किसी परिस्थिति के साथ जुड़ जाए तो हमारे मुंह से मालूम है क्या निकलता है। क्या? हाँ भगवान, ईश्वर ना करे जो किसी दुश्मन के साथ ऐसा हो। बिल्कुल। तो भाई श्रोताओं, आप तो हमारे दोस्त हैं, हम ऐसा कब सोच सकते हैं कि आपके साथ भगवान ना करे ऐसा हो, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे हालात में भी सुरक्षित रहें। तो इसीलिए आपको ये सारी जानकारियां देना हमारा फर्ज है। बहुत खूब आकाश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किड की। स्किड का मतलब आसान शब्दों में फिसलना होता है। दोस्तों, जब आपकी गाड़ी के टायर की पकड़ सड़क पर यानी रोड पर से ढीली हो जाती है तो टायर फिसलना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है या कब होता है? दोस्तों, गाड़ी स्किड होने के कई कारण होते हैं, मसलन तेल, पानी या रेत वाले रोड पर, टर्न लेने पर, भारी एक्सीडेंट और ब्रेक से भी, और टायरों के खराब कंडीशन के कारण भी। दोस्तों आपको बता दें कि फोर व्हीलर के चारों पहिए हैवी ब्रेकिंग से जाम हो जाते हैं। इस हालत में स्टेयरिंग पर कंट्रोल बढ़ाइए, ब्रेक को धीरे धीरे पंप मारकर पहिए को टर्न लेकर रोड पर ग्रिप बनाइए।
ये फोर व्हीलर स्किड में बहुत तरह की सिचुएशंस आती हैं दोस्तों, जिन्हें हम अंडर स्टीयर कहते हैं। इसमें गाड़ी अपने आगे वाले पहियों के टर्न को फॉलो करने की बजाय सीधे जाती है। उस समय क्लच दबाकर स्पीड को कम कीजिए, हल्के से स्टीयरिंग को घुमाइए और क्लच छोड़िए। यही सही उपाय है। जब गाड़ी के पीछे के पहिए बाहर की दिशा से जुड़ते हैं तो इसे रियर व्हील स्किड कहते हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों हैवी ब्रेकिंग ना करें, मतलब हल्के से ब्रेक लगाकर स्पीड कम कीजिए और गाड़ी की स्टीयरिंग को जोर से पकड़कर गाड़ी एक तरफ करके रुकिए। दोस्तों आपातकालीन परिस्थितियों के लिए कई बार आग भी जिम्मेदार होती है। गाड़ी में आग लगने के कई कारण होते हैं, जैसे गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होना या गाड़ी के टैंक से ईंधन का लीक होना। साथ ही दोस्तों गाड़ी में कभी भी किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ कैरी मत कीजिए, जैसे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल या गैस का सिलेंडर या किसी भी तरह का केमिकल वगैरह। और दोस्तों थोड़ी सी एहतियात से आप बड़े हादसों को टाल सकते हैं। बस इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि लापरवाही जिंदगी में कभी भी नहीं चलती। फिर भी गाड़ी में अगर आग लगती है और इस बात का जैसे ही आपको एहसास हो, पता लगे, तो फौरन गाड़ी रोकिए, गाड़ी का इंजन बंद कीजिए, पैसेंजर्स को गाड़ी से बाहर निकलने को कहिए और आग से दूर रहिए। आग को मिट्टी से बुझाने का प्रयास कीजिए और अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो पुलिस को 100 नंबर पर और फायर ब्रिगेड को 101 नंबर पर फौरन सूचना दीजिए और वहां से दूर हट जाइए, क्योंकि ईंधन लीक होने से कभी भी धमाका हो सकता है। और आकाश एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है टायर पंक्चर। दोस्तों ऐसा होने पर सबसे पहले रास्ता छोड़िए और एक साइड में रुक जाइए, समतल स्थान पर गाड़ी को खड़ा करें और जैक लगाकर टायर बदलें। बिल्कुल ठीक कहा अनिल। अच्छा अनिल, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का सर ओवरहीट हो जाए तो तुम क्या करोगे? आकाश ये भी कोई सवाल है? अच्छा ये क्या पूछ रहे हो, पहले ये बताओ। भाई गाड़ी की ओवरहीटिंग से मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड की याद आ गई। आकाश मुझे तो आदत है, लेकिन अगर उसने सुन लिया ना कि तुमने ऐसा कहा है उसके बारे में तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा मुझे डरा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ओवरहीटिंग के कारणों की। दोस्तों गाड़ी का इंजन ओवरहीट होने के कारण है रेडिएटर फैन या कूलिंग फैन के बंद होने से कूलेंट के बह जाने पर, वाटर पंप के बंद होने से या रेडिएटर में कुछ कचरा फंसा होने पर भी गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो जाता है। इसी के साथ चढ़ाई पर चढ़ते समय अगर ज्यादा ब्रेक दबाकर रखा जाए तो उससे भी ये होता है। तो ऐसे समय में क्या करें? गाड़ी को एक तरफ ले जाकर इंजन बंद करें, गाड़ी के विंडो को खोलिए और हवा आने दीजिए। दोस्तों गाड़ी को ठंडी होने दीजिए, कूलेंट डालिए और बिना एसी चलाए धीरे धीरे गाड़ी चलाएं। बिल्कुल ठीक। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पुश स्टार्ट की। दोस्तों जब गाड़ी का इंजन नॉर्मल स्टार्ट नहीं होता तब उसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है। इसके लिए एक्सीलरेटर पैडल पर पूरा दबाव छोड़िए। गाड़ी जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर आ जाए तो चाबी घुमाकर हल्के से क्लच छोड़िए। और दोस्तों आगे है टोइंग। खासतौर से शहर के लोग इस शब्द से अच्छी तरह से परिचित हैं और सच पूछा जाए तो डरते भी हैं। जाहिर है जब ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठाकर ले जाती है और पीछे से गाड़ी का मालिक दौड़ता है तो अनिल कैसा लगता है? जाहिर है बुरा ही लगता होगा। भाई अगर नो पार्किंग जोन पर गाड़ी पार्क करेंगे तो यही होगा ना? एग्जैक्टली। वैसे गाड़ी में कभी मैकेनिकल फॉल्ट होने पर गाड़ी टो करनी पड़ती है। लेकिन याद रखिए गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आइए बात करते हैं बूस्टर बैटरी जंप स्टार्ट कराने की। दोस्तों ऐसे समय में बूस्टर बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी होना चाहिए। ऐसे में जम्पर केबल को डिस्कनेक्ट कीजिए, ऐसा ना करने पर दूसरी गाड़ी का चार्जिंग सिस्टम डैमेज हो सकता है। इंजन स्टार्ट हो जाए तो नॉर्मल रिवर्स करके दूसरी गाड़ी का इंजन शुरू होने के बाद नॉर्मल तरीके से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों अब बात करेंगे डैमेज्ड विंडस्क्रीन, मतलब गाड़ी के सामने वाले टूटे हुए कांच की। ये कांच आजकल लैमिनेटेड होते हैं जिन पर एक बार क्रैक पड़ता है तो वो टूटकर नहीं गिरता। दोस्तों गाड़ी के उस टूटे हुए स्क्रीन को कभी भी ना छेड़ें, ये गिर सकते हैं और आप उससे जख्मी हो सकते हैं, इसीलिए धीमी स्पीड में गाड़ी को गैराज तक ले जाएं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सबमर्ज्ड व्हीकल की, यानी पानी में डूबती गाड़ी की। दोस्तों बड़े शहरों या महानगरों में ये अक्सर होता है।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और कई बार उनमें शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है। अनिल, आज भी मुझे वो दिन याद आता है जब मुंबई में सन 2006 में बारिश हुई थी और वहां पर फ्लड आया था। इत्तेफाक से मैं उन दिनों वहीं था जब हजारों लोग फंस गए थे उस बारिश में। कई लोग गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों के दरवाजे बंद किए और इस परिस्थिति की वजह से ही बहुत जानी नुकसान हुआ। तो दोस्तों, आप ऐसी सिचुएशन में वो गलतियां मत कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों जब गाड़ी पानी में हो तो उस समय कोशिश कीजिए कि गाड़ी से बाहर निकलिए, क्योंकि कुछ मिनटों में ही गाड़ी डूब सकती है और दरवाजे पानी के प्रेशर से जाम भी हो सकते हैं और वो अंदर से लॉक भी हो सकते हैं। तो खिड़कियां नीचे करके गाड़ी से बाहर निकलें। जब तक गाड़ी पानी से बाहर नहीं आती तब तक इंजन बंद मत कीजिए, नहीं तो साइलेंसर द्वारा पानी इंजन में घुसेगा और गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा अनिल, मैंने उस दिन देखा कि बहुत से लोग गाड़ी में एसी चलाकर बैठे हुए थे। ये गलती उस दिन बहुत से लोगों ने की और ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट या पावर फेलियर की वजह से आप गाड़ी में ही फंसे रह सकते हैं और लॉक सिस्टम तो बंद हो ही जाएगा जैसा कि अनिल ने बताया। तो गाड़ी जब पानी से बाहर आ जाए तो उसके साइलेंसर से पानी को बाहर आने दीजिए और ब्रेक पेडल को जोर जोर से और बार बार पंप कीजिए ताकि ब्रेक हाइड्रोलिक की क्षमता को बढ़ा सके। और समझिए कि जब गाड़ी वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए भागने का समय आ गया है तो गाड़ी की लाइट ऑन करके ही निकलिए। बिल्कुल सही कहा आकाश तुमने, क्योंकि तुम उस दौरान वहां पर थे तो इसी वजह से तुम श्रोताओं को अच्छे तरीके से समझा पाए। दोस्तों, आगे है गाड़ी चलाते समय अचानक बोनट का खुलना। दोस्तों, अपनी गाड़ी का बोनट बंद करते समय ठीक से बंद करें, क्योंकि संकरे रास्तों में या फिर रोड पर कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका बोनट अचानक खुल जाए, तो खिड़की से देखकर रोड के लेफ्ट साइड में तुरंत आ जाएं। भाई वाह अनिल, आज मैं देख रहा हूँ बड़े काम की बातें बता रहे हो श्रोताओं को। भाई आपके साथ जो रहना है तो फिर काम की बात तो बतानी ही पड़ेगी। यानी कि मेरे हिसाब से और श्रोताओं के हिसाब से भी तुम बिल्कुल पास हो चुके हो। लेकिन अब हम जो बात करने वाले वो पास की नहीं बल्कि इंजन फेलियर की बात करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा होने पर गाड़ी जल्द से जल्द सिग्नल देकर और न्यूट्रल पर लाकर रोड के साइड में ले जाइए और गाड़ी की हैजल लाइट यानी कि पार्किंग लाइट को ऑन करके किसी को भी मदद के लिए फोन कीजिए। और दोस्तों, आगे है ब्रेक फेलियर। ये इमरजेंसी नियमित समय पर ब्रेक चेक करके हम टाल सकते हैं और ये सब हम ठीक कर सकते हैं खराब हुई ब्रेक्स को रिप्लेस करके और ब्रेक फ्लूइड लेवल को चेक करके। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ब्रेक फेलियर की। ब्रेक फेलियर होने पर गाड़ी को लोअर गियर पर ले आइए, हैंड ब्रेक को लगाइए, दूसरी गाड़ियों को चेतावनी देने के लिए अपनी गाड़ी की हेडलाइट या पार्किंग लाइट को ऑन कीजिए। और दोस्तों, खाली रास्ता या एक कोना देखकर एक खुले ग्राउंड या किसी चढ़ान पर गाड़ी ले जाइए। भगवान न करे पर चढ़ान पर आते समय ब्रेक फेल हुआ तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को किसी भी तरह से कम करें। अगर संभव हो और आपके बगल में अगर रेलिंग हो तो गाड़ी को उससे सटा दीजिए ताकि गाड़ी की स्पीड कम हो सके। अच्छा अनिल, ये सटाने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। आकाश, सटाने से मेरा मतलब था कि जब गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो चुके हैं और हम उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं तो हमारे पास जो भी रास्ता है हम वही अपनाएंगे। तो जब चढ़ाई पर हम गाड़ी को बढ़ाएंगे तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ऑटोमेटिकली कम होने के लिए एक और तरीका हो सकता है कि अगर हमारे बगल में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर कोई भी रेलिंग आ जाए तो उस रेलिंग से अपनी गाड़ी को बिल्कुल टच कर दीजिए, भिड़ा दीजिए ताकि गाड़ी की स्पीड कम हो सके। भाई वाह, देखा दोस्तों, अनिल ने कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो चलिए थैंक यू बोलते हुए आगे चलते हैं और बात करते हैं हेडलाइट फेलियर की। दोस्तों, ऐसा होने पर गाड़ी को स्लो कीजिए और रोड के एक साइड पर ले जाइए और वहां पर हेजल लाइट या पार्किंग लाइट को ऑन कीजिए। श्रोताओं, इमरजेंसी होने पर हम पुलिस स्टेशन, हाईवे पुलिस, टोल अधिकारी, रासायनिक एक्सपर्ट, हॉस्पिटल और अग्निशामक दल को मदद के लिए बुला सकते हैं। और उस पल के लिए हमें अपने आसपास की चीजों के बारे में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि आपातकालीन परिस्थिति में यानी कि इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें कैसे उनका सामना करना है और क्या क्या एहतियात बरतनी है और उस सिचुएशन में से कैसे हमें खुद को और अपनी गाड़ी को निकाल के ले जाना है। बिल्कुल ठीक आकाश। तो दोस्तों, अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का, सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि हम फिर से मिलने वाले हैं एक नए एपिसोड में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और सुनना मत भूलिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम चलती का नाम ग।
गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।